Hello, my name is Dr. Prashant Saxena and I am Director and Head of Pulmonology, Critical Care and Sleep Medicine at Fortis Hospital, Vasant Kunj. We will be talking about allergy today. So what is allergy? Allergy is a reaction of the body against any foreign substance. This substance can be dust, pollen, any environmental triggers like change of weather or even your normal pets or food items. So what are the symptoms of allergy? Symptoms of allergy are usually organ specific. मतलब कि जिस जगह की आपको एलर्जी होगी उसी तरह के सिम्टम्स आपको आएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आँखों में जलन होना, आँखों से पानी टपकना, छींके आना, नाक से पानी बहना, गले में दर्द होना, खांसी का बार बार आना, छाती में दर्द होना, इवन पेट भी ख़राब हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है. स्किन एलर्जी भी बहुत कॉमन है जिसमें कि स्किन के लीजन्स या स्किन के रैश हो सकते हैं. क्या हम एलर्जी को इग्नोर कर सकते हैं? याद रखिए, इसका आंसर है नो. एलर्जी एक बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि एक बार आपको कोई फॉरेन एलर्जी होगी तो अगली बार एलर्जी का रिस्पांस बॉडी का और ज़्यादा स्ट्रांग होता है. मतलब एलर्जी हमेशा बढ़ती जाती है. एलर्जी को पता करने के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट से मिलना ज़रूरी होता है जो कि आपको बता सके कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है और उसको दूर करने के लिए हमें क्या उपाय लेने हैं. एलर्जी की डायग्नोसिस बहुत आसान होती है. हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं, एग्जामिन करते हैं आपको, और उसके बाद हम आपको बता सकते हैं कि एलर्जी किस वजह से आपको हो रही है. कुछ दवाइयां हैं और कुछ थेरेपीज़ हैं जो कि पेशेंट स्पेसिफिक होती हैं, और पेशेंट को इवेल्यूएट करने के बाद हम बताते हैं कि आपको किस दवाई से या किस थेरेपी से एलर्जी दूर करने में सहायता मिलेगी. याद रखिए, एलर्जी की रोकथाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि एलर्जी कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है. धन्यवाद.